यूपी में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से झटका खा चुकी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब उसके ही सहयोगी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अपने बयानों में बीजेपी को असहज किया, उसके बाद ओबीसी आरक्षण पर सीएम योगी को पत्र लिखकर अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने घेरने की कोशिश की। अब निषाद पार्टी ने बीजेपी पर दबाव बनाया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। विधायकों के सांसद चुन लिए जाने और सीटें रिक्त होने के कारण यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन 10 में से निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की बात कह दी है। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निषाद पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में मिर्जापुर की मझुआ और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और 2022 के विधानसभा चुनावों में बड़ा दिल रखते हुए 15 सीटें दी थी। इसमें मझुआ एवं कटहरी भी शामिल थी। उपचुनाव में निषाद पार्टी इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी करेगी और प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगियों से इन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसी के साथ राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर प्रदेश के मछुआ समाज को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मछुआ समाज के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। संजय निषाद ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा मछुआ समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 18 लोगों की मृत्यु को दुखद बताया। हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर संजय निषाद ने कहा कि सपा मुखिया को ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ गौरतलब है कि मिर्जापुर की मझुआ सीट निषाद पार्टी के ही विधायक रहे विनोद बिंद के इस्तीफे से खाली हुई है। वहीं विनोद बिंद को बीजेपी ने भदोही सीट से लोकसभा चुनाव अपने सिंबल पर लड़ाया और उन्होंने जीत हासिल की है। इसी तरह अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर विधायक रहे लालजी वर्मा अब अंबेडकर नगर से सांसद बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।